हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मॉमी हेल्प। आज का मैं वीडियो लेकर आई हूँ नवजात शिशु से रिलेटेड। जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनमें उल्टी की समस्या हो जाती है। हम बात कर रहे हैं 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए, लेकिन उनसे जो बड़े बच्चे होते हैं उल्टी की प्रॉब्लम उनको भी होती है। लेकिन जो बच्चे 0 से 6 मंथ के होते हैं, जिन्होंने अभी खाना भी नहीं स्टार्ट किया है, उनको उल्टी की समस्या बहुत अधिक होती है। नवजात शिशु में उल्टी होना, जब बच्चा 0 से 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का और 3 मंथ का, तब तक उल्टी होना उसमें आम समस्या मानी जाती है, जब तक कि उल्टी कोई गंभीर रूप ना ले ले। बच्चों के उल्टी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चे उल्टी किस तरह की करते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं, जो 0 से 3 मंथ के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर उल्टी नाक से और मुँह से करते हैं। और कभी कभी बच्चे दूध भी बाहर निकाल देते हैं, और कभी कभी जो फटा हुआ दूध होता है, जो बच्चे दूध को नहीं हजम कर पाए हैं, कभी वो दूध उनका बाहर निकल जाता है। अगर बच्चे थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी सी उल्टी कर रहे हैं, फटा हुआ दूध बाहर निकल रहा है, तो वो एक कोई गंभीर विषय नहीं होता है। क्योंकि जितना बच्चा फीड करता है और जितने उसके शरीर के लिए ज़रूरत होती है, उतना बच्चा दूध को हजम कर लेता है, और जो हजम नहीं हो पाता है वो बच्चा उल्टी कर देता है, वो उसके पेट से बाहर निकल जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चा नाक से भी उल्टी करता है, नाक से भी उसका दूध निकल जाता है और मुंह से भी उल्टी करता है। तो ये समस्या भी गंभीर नहीं मानी जाती है, लेकिन इसके भी कुछ रीज़न होते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों के उल्टी करने के कारणों की। जब बच्चा उल्टी करता है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं। पहली वजह तो यही होती है कि अगर बच्चे को खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बच्चे ने जो मदर फीड किया है, बॉटल पी से दूध पिया है, वो बच्चे को हजम अच्छे से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बच्चा उल्टी कर देता है। जो बच्चा मदर फीड करता है और जो बच्चा बॉटल से दूध पीता है, उन दोनों के कंपेरिजन में मदर फीड करने वाला बच्चा कम उल्टी करता है। जब बच्चे के नाक से दूध आता है तो माँ बाप बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। जब मेरा बेटा छोटा था, 1 मंथ का था, तो मुझे नहीं पता चला कि उसको फीवर हो रहा है या कोल्ड हो रहा है। तो हमने उसको फीड कराया, हमने उसके दूध पिलाया, तो उसने दूध पीते ही उल्टी कर दी नाक से और मुंह से। हम लोग घबरा गए। तो डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे को फीवर है हल्का, जिसकी वजह से बच्चा दूध को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया और उसने तुरंत ही दूध को बाहर निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे के नाक से जैसा ही दूध वो पी रहा है वैसा का वैसा ही अगर वो बाहर निकल रहा है मुंह से नाक से, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा फटा हुआ दूध निकालता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल कहलाता है। अगर बच्चा फटा हुआ दूध निकालता है तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब बच्चा जैसा एज इट इज दूध बाहर निकालता है तो वो थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। उसके पीछे की वजह है कि अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, अगर बच्चे को कोल्ड है और सर्दी लग गई है, तो उसकी वजह से भी बच्चा जैसे ही दूध पीता है उसकी उल्टी कर देता है, तो ये भी एक वजह होती है। अगर बच्चे को फीवर है, हल्का फीवर है, कभी कभी हम लोगों को नहीं पता चल पाता कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा छोटा होता है, बहुत रो नहीं रहा है, लेकिन वो चुप है थोड़ा सा, तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चा क्यों शांत है, क्या परेशानी है, तो हो सकता है उसके पीछे कि बच्चे को इंटरनल हल्का सा फीवर हो, जिसकी वजह से भी बच्चा वॉमिट कर देता है। तीसरी वजह इसकी होती है कि बच्चे को दूध हजम ना होने के कारण बच्चा उल्टी करता है, तो उसके लिए भी आपको बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे को दूध हजम करने में बहुत ही आसानी होगी, अगर बच्चे को दूध अच्छे से हजम हो पाएगा तब बच्चे को वो दूध हजम करने में बहुत आसानी होगी। डकार दिलाने के लिए आप बच्चे को कंधे से लगाकर 10 से 15 मिनट हल्के हल्के हाथों से उसके कमर पर हाथ फेरिए, इससे बच्चे को डकार लेने में आसानी होगी। चौथी वजह इसकी होती है कि बच्चे को मदर फीड से इन्फेक्शन हो रहा है या मदर फीड उसको नहीं सूट कर रहा है, तो आप बच्चे का मदर फीड थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बार बार उपकाई ले रहा है, बच्चे को वॉमिट जैसा हो रहा है, बच्चा दूध अच्छे से नहीं पी पा रहा है, तो आप बच्चे का मदर फीड थोड़े दिन के लिए बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आप उसको कौन सा दूध पिला सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को हमेशा एक जो पर्टिकुलर डाइट होती है बच्चे की दी जाती है कि आप इतने बड़े बच्चे को 30 ml दूध दीजिए, इससे बड़े बच्चे को 60 ml दिया जाता है, तो आप बच्चे को हमेशा डाइट के अनुसार ही दूध दीजिए। क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, उसको नहीं पता होता कि मुझे कितना खाना है, कितना दूध लेना है। अगर आप बच्चे को पिलाते जाते हैं, बच्चा पीता जाता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे को दूध देते वक्त उसको एक
जो उसके शरीर के लिए जितना जरूरी है केवल उतना ही दूध दें। बच्चा जब अधिक मात्रा में दूध पी लेता है उसके कारण भी उसको उल्टी हो जाती है, तो बच्चे की डाइट का भी हमेशा ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि उल्टी होना बच्चे के लिए गंभीर है या फिर नॉर्मल। अगर बच्चा उल्टी करने के बाद खुश है, अगर बच्चा ने थोड़ी सी उल्टी करी है और वो खुश है उसके बाद, तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे का दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था जिसको बच्चे ने बाहर निकाल दिया है। छोटे बच्चों में उल्टी करना बहुत ही सामान्य है, अधिकतर बच्चे थोड़ी थोड़ा सा दूध बाहर निकालते ही हैं जो वो हजम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा उल्टी करने के बाद बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया है, अच्छे से नहीं खेल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा आपका परेशान है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। 0 से 6 मंथ के बच्चों में अगर बच्चे को बहुत अधिक वॉमिट हो रही है, वो अच्छे से टॉयलेट नहीं जा पा रहा है, आप देख रहे हैं कि उसका डायपर भी सूखा है, तो आप समझ जाएं कि बच्चे को वॉमिट के कारण उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है। आप चाहे बच्चे को दूध कम पिलाएं लेकिन उसको WHORS का घोल और जो भी लिक्विड आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है आप उसको बच्चे को जरूर पिलाएं जिससे कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को आप चाहे दूध ना पिलाएं थोड़े समय के लिए, उससे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब तक बच्चे का शरीर उस दूध को हजम करने के लायक नहीं होगा तब तक आप उसको दूध भी पिलाएंगे तो भी वो वॉमिट कर देगा। इससे बेटर ये है कि आप बच्चे को पानी की कमी ना होने दे और बच्चे को थोड़ा सा ठीक होने दे जिससे कि वो आपका जो दूध है उसको अच्छे से हजम कर पाए। अगर बच्चा अलग रंग की वॉमिट जा रहा है, अगर वो येलो है, उसमें आपको हल्का सा ब्लड दिख रहा है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो उल्टी बच्चे का करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। बच्चे का लगातार 24 घंटे में ज़्यादातर उल्टी करना भी नॉर्मल नहीं है। अगर मैं नवजात शिशु की भी बात करूं तो अगर वो दूध पीता है उसके बाद बच्चा अगर 4 बार दूध पी रहा है, 2 बार थोड़ी थोड़ी सी उल्टी कर रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बच्चा अगर अधिक मात्रा में उल्टी कर रहा है, अगर सारा सारा दूध ही बाहर निकाल रहा है, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे का जो पेट में दूध हजम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी गैस बनने के कारण भी बच्चे को उल्टी हो सकती है, तो गैस के लिए आप कर सकते हैं कि बच्चे को डकार अच्छे से दिलाएं, लेकिन अगर तब भी बच्चे के जो पेट में दर्द है वो नहीं सही हो रहा है तो आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। और इसके अलावा आप अगर ज़्यादा ही आपका बेबी परेशान है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके उल्टी करने के बच्चे के बहुत सारे रीज़न हैं, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कुछ घरेलू उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ जो आपको अपनाने चाहिए। सबसे पहले बच्चे को डकार दिलाना कभी भी ना भूलें, बच्चे को दूध पिलाने के बाद हमेशा डकार जरूर दिलाएं, इससे बच्चे को दूध भी हजम होगा और बच्चे के पेट में गैस भी नहीं बनेगी। एक आता है दोस्तों सुहागा, सुहागा को तवे पर अच्छे से भून लें, वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है फूल के, उसका पाउडर बना लें। जब बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता है उसके कारण भी बच्चे को उल्टी हो जाती है, अगर सुहागा का चून आप बच्चे को हल्का सा चटा देंगे या जो माएँ बच्चे को फीड करा रही हैं वो 1 चम्मच अपने दूध में थोड़ा सा 1 चुटकी सुहागा डालकर बच्चे को दे दें, इससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा और बच्चा दूध को हजम कर पाएगा। कभी कभी दांत निकलते हैं तब भी बच्चा बहुत अधिक परेशान हो जाता है, वॉमिट करता है, तो ये सब जो सिचुएशन होती है, ये सब जो कंडीशन होती है, ज़्यादातर बच्चे के पेट में जो खराबी आ जाती है, बच्चे का पेट खराब हो जाता है, खाना हजम नहीं हो पाता, वो दूध हजम नहीं कर पाता, इन सभी चीज़ों के कारण होता है, तो सुहागा उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा आप बच्चे को घुट्टी भी दे सकते हैं, घुट्टी भी बच्चे के पेट को ठीक रखती है और बच्चे को खाना हजम होने में भी आसानी होती है। आप बच्चे को ठंड लगने से हमेशा बचाएं कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम होगा तो बच्चा ज़्यादातर वॉमिट कर देता है और वो अच्छे से दूध को हजम नहीं कर पाता है, तो ध्यान रखें कि आपके बच्चे को सर्दी ना लगे, इससे बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा और वो वॉमिट की समस्या भी उसको बहुत कम होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बच्चे को ठीक रखने के लिए करनी चाहिए। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो माता और पिता दोनों ही बहुत खुश रहेंगे। बच्चे को उल्टी करना सामान्य है, इसके लिए माताओं को बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ भी गंभीर दिखता है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और इसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लें, यही मेरी आपसे गुजारिश है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू।